सो गाइस, पिक्सार्ट के नए नए ट्रिक्स जानना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखो, क्योंकि इसी एडिटिंग में मैं नए नए तरीके से एडिटिंग करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन करना, प्लस के आइकन को क्लिक करना, यहां पर एडिट ए फोटो का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक करना, और ये वाले व्हाइट बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेना। इस व्हाइट बैकग्राउंड का डाउनलोडिंग होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लेना और सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर साइड में जाना, साइड में यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन होता है, तो ऐड फोटो के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाले इमेज को जो है ऐड करना है। तो इस स्काई इमेज का डाउनलोड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना। यहाँ पर इसका स्काई जो है यूज करने वाले हैं हम, तो कुछ इस टाइप से बड़ा कर देना है यहाँ पर। सो गाइज, इसे कुछ इस टाइप से बड़ा करने के बाद फोटो के साइड को क्लिक करना, साइड में ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन होता है ये वाला, इसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रेस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो इस ग्रेस इमेज को डाउनलोड कर लेना और कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर इसे भी नीचे साइड में लगा लेना है, तो कुछ इस टाइप से नीचे साइड में लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसका ओपेसिटी होता है साइड में, तो देख रहे होगे, तो इसके ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं जो है हल्का सा कम करूँगा, इसलिए अच्छे से सेट कर पाऊँगा। तो कुछ इस टाइप से ओपेसिटी को मैं पूरा फुल कर दूँगा इसके बाद, तो अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया, तो ओपेसिटी को पूरा फुल कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर साइड में इरेज वाला आइकॉन होता है, देख रहा होगा, तो यहाँ पर इरेज वाला आइकॉन है, तो इस इरेज वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नीचे में भी इरेज का आइकॉन होता है, लिखा भी होता है इरेज, उसे क्लिक करेंगे। हार्डनेस कैपेसिटी को कुछ इस टाइप से कम कर देंगे और साइज को बढ़ा देंगे, और ऊपर साइड को कुछ इस टाइप से अच्छे से रिमूव कर लेना है। यहाँ पर इसके स्काई को रिमूव कर लेना, इसका ग्रास चाहिए हमको, तो कुछ इस टाइप से अच्छे से रिमूव कर लेना। तो मैं जो है वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, तो आप जो है आराम से रिमूव कर लेना। इसके बाद ऊपर में राइट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो राइट के आइकन को क्लिक कर देना, तो यहाँ पर इसे जो है डन करना होगा। तो ऊपर में और एक बार राइट का आइकन होगा, उस राइट के आइकन को जो है क्लिक कर देंगे और इस इमेज को डन कर देंगे। सो गाइज, अब यहाँ पर इसमें जो है अपना फोटो ऐड करना है, तो अपना फोटो ऐड करने के लिए ऐड फोटो का ऑप्शन होता है साइड में, तो ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना, और यहाँ पर ये वाले इमेज का यूज करूँगा। इसका बैकग्राउंड जो है पहले से रिमूवेड है, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर वीडियो लिंक मिल जाएगा, वीडियो को देख के सीख सकते हो। तो कुछ इस टाइप से मैं अच्छे से एडजस्टमेंट कर लूँगा। तो यहाँ पर साइड में इरेज वाला आइकॉन होता है, तो दिख रहा होगा इरेज वाला आइकॉन, उसे जो है क्लिक करना। नीचे में भी इरेज का आइकॉन है, उसे जो है क्लिक कर लेना, और यहाँ पर हार्डनेस कैपेसिटी को कुछ इस टाइप से कर लेना, और नीचे साइड को कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैं जो है रिमूव कर लेता हूँ, आप भी कुछ इस टाइप से जो है रिमूव कर लेना, हार्डनेस कैपेसिटी को कम कर लेना, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेना। तो मैं जो है वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से रिमूव करने के बाद यहाँ पर ऊपर में राइट का आइकन दिखाई देता है, तो इस राइट के आइकन को क्लिक कर देंगे और इस इमेज को जो है डन कर देंगे। सो गाइज, और एक बार ऊपर में राइट का आइकॉन आएगा, तो इस राइट के आइकॉन को भी क्लिक कर देना और इस इमेज को जो है डन कर देना। तो यहाँ पर राइट के आइकॉन को क्लिक कर दिया और डन कर दिया। तो यहाँ पर अब जो है बलून पीएनजी इमेज ऐड करना है, तो साइड में होता है ऐड फोटो का ऑप्शन, तो ये वाला है ऐड फोटो का ऑप्शन, लिखा भी होता है ऐड फोटो, उसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाले बलून पीएनजी इमेज को जो है डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, तो कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना। यहाँ पर हाथ के पास यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो है कलर जो है रेड में है, तो इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में यहाँ पर एडजस्ट वाला ऑप्शन होता है, दिख रहा होगा एडजस्ट, लिखा भी होता है एडजस्ट, तो इस एडजस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना, और यहाँ पर हुई होता है, तो हुई लिखा होता है, इसके अमाउंट को जो है कुछ इस टाइप से ऊपर नीचे करके देख सकते हो। मैं जो है -180 कर लिया हूँ, तो यहाँ पर सेचुरेशन को प्लस कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर हाईलाइट को कुछ इस टाइप से अपने हिसाब से कर लूँगा, प्लस में कर दिया, और शेडो को भी अपने हिसाब से प्लस में कर दिया कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है ऊपर में, तो इस कॉन्ट्रास्ट में भी अपने हिसाब से कर लूँगा मैं, तो कुछ इस टाइप से जो है माइनस में कर दूंगा कॉन्ट्रास्ट को। तो इसके बाद यहाँ पर इसे जो है डन करना है, तो ऊपर में राइट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस राइट के आइकन को क्लिक कर देना और इस इमेज को डन कर देना। तो यहाँ पर अब जो है इरेज वाले आइकन को क्लिक करना, साइड में होता है इरेज वाला आइकन, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में भी इरेज का आइकन होगा, उसे क्लिक करना, और यहाँ पर हाथ के पास कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेना, ऐसा लगना चाहिए कि हाथ में पकड़ा हुआ है इसको, तो कुछ इस टाइप से अच्छे से करने के बाद ऊपर में राइट का आइकन है, उसे भी क्लिक कर देना। सो गाइज, अब जो है इस बलून को जो है डुप्लीकेट बनाना है, तो साइड में होता है लेयर वाला ऑप्शन, लेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करना, डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है उसे भी क्लिक कर लेना, तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा कुछ इस टाइप से, तो इसे जो है अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। इसके बाद और डुप्लीकेट बनाना होगा, तो डुप्लीकेट के ऑप्शन को फिर से क्लिक करना, तो और डुप्लीकेट बन जाएगा, तो यहाँ पर इसे मैं छोटा कर दूंगा कुछ इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पर और एक बार डुप्लीकेट बनाना है, तो डुप्लीकेट के ऑप्शन को क्लिक कर देना,
तो कुछ इस टाइप से डुप्लीकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर चार बलून हो गया है देख सकते हो, तो कुछ इस टाइप से डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर इसे जो है डन करना होगा, तो ऊपर में राइट का आइकून दिखाई दे रहा होगा ना, तो इस राइट के आइकून को जो है क्लिक कर देना, इसे जो है डन कर देना। तो यहाँ पर डन हो गया। अब जो है फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है, तो साइड में होता है ऐड फोटो का ऑप्शन, तो ये वाला होता है ऐड फोटो का ऑप्शन, उसे जो है क्लिक कर देना और यहाँ पर ये वाले पीएनजी इमेज को ऐड कर लेना। इस पीएनजी इमेज का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर इसे जो है चार डुप्लीकेट बना लेना है, तो सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन में चले जाना, यहाँ पर साइड में होता है लेयर वाला ऑप्शन और यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, तो चार बार क्लिक कर लेना, यानी कि तीन बार क्लिक करना तो टोटल जो है चार डुप्लीकेट बन जाएगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लेना। इसके बाद यहाँ पर साइड में जाना, साइड में यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन होता है, क्रॉप के ऑप्शन में जाना और इसे जो है क्रॉप कर लेना कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर एक एक को क्रॉप करना कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर क्रॉप करने के बाद साइड में चले जाना ब्लेंडिंग मोड में, तो साइड में चले जाना सबसे पहले, तो एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर साइड में जाना, साइड में यहाँ पर मल्टीपल का एक ऑप्शन होता है ये वाला, तो इसे जो है मल्टीपल के ऑप्शन को क्लिक कर देना, या तो फिर डार्केन का भी ऑप्शन होता है, तो डार्केन में ज़्यादा बेटर लगता है, तो डार्केन भी कर सकते हो कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर डार्केन में ही रहने दूंगा मैं, तो कुछ इस टाइप से सभी में कर लेना है। तो यहाँ पर सभी को बारी बारी से क्रॉप कर लेना और सभी में कुछ इस टाइप से क्रॉप कर लेना और ब्लेंड में जाना और यहाँ पर डार्केन कर लेना, तो सभी को कुछ इस टाइप से क्रॉप कर लेना एक एक को। तो यहाँ पर समझ गए होगे क्या बोलना चाहता हूँ मैं, तो सभी को कुछ इस टाइप से कर लेना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से करने के बाद यहाँ पर इसे जो है डन करना होगा, तो डन करना है तो ऊपर में राइट का आइकून दिखाई दे रहा होगा, इस राइट के आइकून को क्लिक कर देंगे और इस इमेज को जो है डन कर देंगे। सो गाइज फाइनली यहाँ पर जो है पिक्सआर्ट का काम हो गया है, पिक्सआर्ट में एडिट कर लिए हैं। अब यहाँ पर लाइटरूम में एडिट करना है, तो सबसे पहले इस फोटो को जो है गैलरी में सेव करना होगा। तो गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर साइड में डाउनलोड का आइकॉन होता है, दिख रहा होगा डाउनलोड का आइकॉन, तो इस डाउनलोड के आइकॉन को जो है क्लिक कर देना और इस इमेज को जो है सेव कर देना अपने गैलरी में। इसके बाद यहाँ पर इसी इमेज को जो है शेयर कर देना लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पर लाइटरूम में शेयर कर दिया हूँ, तो लाइटरूम में यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर टिंट को बढ़ा देंगे, वाइब्रेंस को भी बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को देख लेना है, माइनस में करना चाहते हो तो माइनस में कर देना। मिक्स वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ पर ऑरेंज कलर में जाना, सेचुरेशन को जो है माइनस में कर देना। इसके बाद यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हो येलो कलर में इधर उधर करके हुई को जो है माइनस में कर दिया मैं, सेचुरेशन को प्लस में, ल्यूमिनेंस को भी प्लस में, और यहाँ पर ग्रीन कलर में भी हुई को जो है माइनस में, सेचुरेशन को प्लस में, कुछ इस टाइप से अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ पर आपका फोटो जैसा हो वैसा। तो यहाँ पर ब्लू कलर में जाएंगे, हुई को जो है माइनस में कर देंगे, सेचुरेशन को प्लस में, ल्यूमिनेंस को भी प्लस में, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर डन का बटन है, डन कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे में चले जाएंगे, नीचे में ये वाले ऑप्शन में क्लैरिटी को जो है एकदम हल्का सा बढ़ा देना है, विग्नेट जो है माइनस में कर देना जिससे साइड साइड में विग्नेट हो जाएगा, फेदर को जो है बढ़ा देना। अब यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर शार्पनिंग को बढ़ा देना और नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देना, कलर नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देना। अब यहाँ पर सबसे ऊपर जाना ये वाले ऑप्शन में, इसमें जाने के बाद यहाँ पर ये प्लस के आइकन को क्लिक करना और लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से बना लेना है नीचे साइड का, तो यहाँ पर जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ वैसे ही बना लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर ऐसे बना लेना और नीचे साइड का कुछ इस टाइप से कर लेना। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर वाला आइकन को फिर से जो है क्लिक करना और यहाँ पर इसके हुई को जो है कुछ इस टाइप से बढ़ा देना है, तो इसका कलर को सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना वैसे ही कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो को रोक के देख सकते हो कौन सा कलर सिलेक्ट किया हूँ मैं, तो यहाँ पर कलर में भी देख रहे होगे कौन सा सिलेक्ट किया हूँ और हुई को मैं देख रहे होगे। सेचुरेशन को जो है प्लस में कर देना और टिंट को जो है माइनस में कर देना कुछ इस टाइप से, ऊपर में दिख रहा होगा कैसे किया हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लेना, राइट के आइकॉन को क्लिक कर लेना और यहाँ पर इसे जो है बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, तो ऐसे क्लिक करना, तो ये रहा बिफोर एंड ये रहा लाइट रूम एडिट करने के बाद, बहुत ही बढ़िया लगता है देख सकते हो। इस इमेज को सेव करना चाहते हो तो ऊपर में शेयर का आइकॉन है, शेयर के आइकॉन को क्लिक करना तो ये जो है सेव हो जाएगा अपने गैलरी में। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है एक लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर दो कुछ भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग वीडियो जो है अपलोड होते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।